हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पे अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, चार पार्ट अपने इस लेसन के हो चुके हैं। आज अपने पांचवा पार्ट यानी कि अंतिम पार्ट इस लेसन का पूरा करने जा रहे हैं। उससे पहले हम लोगों ने संतुलित आहार, विटामिनों के बारे में, खनिज लवण के बारे में, जल के बारे में, जल की कमी से होने वाले रोग, जो रोग होते हैं वो भी आपको याद करने, क्योंकि 2018 के एग्ज़ाम में ये आ चुके हैं। नशीले पदार्थों के बारे में भी आपको पढ़ना है दोबारा से बढ़िया तरीके से। उसके अलावा आपने नशीले पदार्थों के बारे में पढ़ा था, अफीम के बारे में पढ़ा था, तंबाकू के बारे में पढ़ा था, गुटखा, मदिरा, इनके बारे में पढ़ा था। कुछ अन्य नशीले पदार्थ रह गए थे जो अपने इस पार्ट के अंदर पूरे करेंगे। तो बच्चों, करते हैं शुरुआत। तो अन्य नशीले पदार्थों के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला नाम आता है कोकीन का। कोकीन जो एक प्रकार के एरिथ्रोजाइलिन एक पौधा होता है, औषधीय पौधा एरिथ्रोजाइलिन कोका, इसी पौधे से कोकीन नामक जो औषधि होती है, जो नशीला पदार्थ भी होता है, उसको प्राप्त किया जाता है। चरस, कैनाबिस स्टाइवा, ये इस पौधे से प्राप्त की जाती है चरस। भांग, हसिस, यानी कि भांग जो पौधा होता है, एक प्रकार का औषधीय पौधा, उससे प्राप्त होने वाला नशीला पदार्थ होता है हसिस। हरे रंग का होता है लगभग, और बीड़ी के अंदर, सिगरेट के अंदर इसका इस्तेमाल कई स्थानों पे किया जाता है। भारी भरकम मात्रा में ये नशीला पदार्थ होता है जो शरीर को नुकसान पहुँचाता है। गांजा, हेरोइन एक ही कैटेगरी के है। गांजा, हेरोइन, हेरोइन जो प्राप्त की जाती है वो एक प्रकार से ब्राउन शुगर होती है। क्या होती है बच्चों? ब्राउन शुगर, यानी कि एक प्रकार से उस स्तरीय औषधि होती है, नशीली औषधि होती है और दर्द निवारक होती है। लेकिन कई जगह पे, कई स्थानों पे इनके इंजेक्शन लिए जाते हैं या फिर इनको पाउडर के रूप में सूंघा जाता है। तो ये सारे नशीले पदार्थ हो गए। उसके अलावा अपने सबसे खास LSD, कल्पना की दुनिया में विचरण कराने वाला, कल्पना की दुनिया में घुमाने वाला, यानी कि इसको सेवन करने के बाद व्यक्ति वास्तविक दुनिया के अंदर नहीं रह पाता, वो अलग ही दुनिया के अंदर, अलग ही कल्पनाशील दुनिया के अंदर विचरण करने लग जाता है। और LSD का पूरा नाम एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। L का हो गया लाई, S का हो गया सर्जिक, लाई सर्जिक एसिड, D का हो गया डाई, आगे एथाइल या एथाइल भी लिख सकते हैं, एथाइल भी एक ही बात है, एथाइल एमाइड। ये बच्चों LSD का पूरा नाम है। एक बार में आपको ये फुल फॉर्म बहुत ही बड़ी लगेगी, लेकिन बार बार इसका उच्चारण करोगे, बार बार इसको दोहराओगे तो ये आपको याद भी हो जाएगी। एक नंबर की फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, याद कर सकते हो। जैसे BMI की फुल फॉर्म आई थी, वैसे ही LSD की ये सेकेंड फुल फॉर्म है विज्ञान के अंदर। तो पूरा नाम देखो दोबारा से बच्चों, L का लाई, S का सर्जिक एसिड, D का डाई एथाइल एमाइड। यानी कि इसका सेवन करने के बाद मान लो किसी व्यक्ति की, परिजन की मृत्यु हो चुकी है, तो वो उसके गम में क्या करता है, अगर इसका सेवन करेगा तो वास्तविक दुनिया से मतलब कट जाएगा, वास्तविक दुनिया में नहीं जिएगा, वो उस दुनिया में जिएगा जहाँ पे उसको ये एहसास होगा कि उसका जो परिजन उससे बिछड़ चुका है वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है, यानी वो उसके आसपास ही रहता है कि मेरे को वो परिजन दिखाई देता है, इसलिए वो वास्तविक दुनिया से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसको देखा जाए तो ग्रहण करने का एक तरीका होता है। कई जगह पे जैसे अपने एक मूवी आई थी संजू, उस संजू मूवी के अंदर एक सीन के अंदर आपने देखा होगा कि एक छोटा सा स्टिकर होता है, उस स्टिकर को जीभ के ऊपर रखा जाता है, यानी उसको ग्रहण करने का तरीका होता है ये, जीभ के ऊपर रखा जाता है और जैसे ही जीभ के ऊपर रखेगा तो तुरंत ही अपना प्रभाव दर्शाना शुरू कर देगा और वो व्यक्ति कल्पना की दुनिया में खो जाएगा। आई बात समझ बच्चों? तो आगे देखते हैं।
तो ये हो गए अन्य नशीले पदार्थ। अगर बात करें भारत के राज्यों की तो पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश यानी कि MP, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश और गुजरात, इनमें सबसे पहला नाम देखो किसका है, पंजाब का। यानी पंजाब वाले जो होते हैं वो खाने पीने के मामले में भी नंबर वन होते हैं और नशा करने के मामले में भी नंबर वन होते हैं। उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी आप लोगों ने। तो पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और गुजरात, इन सब में अफीम का पारंपरिक सेवन होता है। यानी कि यहाँ पे लाइसेंस लेके या बिना लाइसेंस के भी खेती की जाती है और अफीम का बड़े पैमाने पे उत्पादन होता है। अगर बात करें हेरोइन को पाउडर के अलावा और दूसरे रूप में भी लिया जाता है। कुछ गोवा जैसे राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य गोवा जैसे, या फिर और जैसे बिहार साइड में या झारखंड साइड में, इस साइड में भी जो ये हेरोइन के इंजेक्शन लिए जाते हैं क्योंकि नशे करने वाले नशे को किसी भी प्रकार से कहीं से भी ढूंढ निकालते हैं। आई बात समझ बच्चों, देखो कैसे ढूंढ लेते हैं। जैसे इन दवाओं का दुरुपयोग कैसे होता है, ये होती दवाएं होती है लेकिन इनका दुरुपयोग किस प्रकार से होता है। डॉक्टर अपने पर्चे पर कुछ दवाएं लिख के देता है, उन दवाओं के अंदर भी नशे की कुछ मात्रा होती है। लेने के बाद में आराम आता है, मतलब नींद आएगी, और नींद आने के बाद स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आराम तो आना ही आना है। तो उन कुछ दवाओं के नाम है जैसे मॉर्फिन, पैथेडिन, ब्यूफ्रीनोफ्रिन, प्रोपोक्सीफीन, नाइट्राजिपाम और डाइजिपाम। ये कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनमें कहीं ना कहीं नशे की मात्रा भी कुछ ना कुछ कंटेंट या कुछ ना कुछ प्रतिशतता के अंदर पाई जाती है और कुछ व्यक्ति नशे के लिए इसका सेवन करते हैं। चलो और अगर मैं बात करें तो आजकल COVID-19 के लिए सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। उस सैनिटाइज़र के अंदर भी अल्कोहल की कहीं ना कहीं मात्रा होती है और कुछ अज्ञानतावंश लोग क्या करते हैं, उस सैनिटाइज़र को पी लेते हैं नशे के तौर पे। लेकिन होता उल्टा है, कई बार जो प्रयोग होता है, ज़रूरी नहीं कि हर बार ही सफल हो, तो उस दौरान उनकी कईयों की हालत ख़राब हो जाती है या फिर कईयों की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक प्रकार से नशीले जो पदार्थ होते हैं ये हमारे स्वास्थ्य पर निश्चित तौर पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो आगे देखो, सड़क पे पलने बढ़ने वाले कुछ बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, वैसे भी कहाँ से पढ़े लिखे गरीब जो होंगे, उनको बस सुबह शाम एक ही काम दिया जाता है कि हाँ भी तुम भीख मांगो या फिर कचरा बिनो, कचरा उठाओ। और उसी दौरान वो गलत आदत का शिकार हो जाते हैं, उन्हीं गलत आदत के अंदर वो भी हर चीज़ के अंदर नशा ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे थिनर के अंदर, पेट्रोल के अंदर, जूता चिपकाने वाले गोंद होते हैं, फेविक्विक वगैरह जो होती है उनमें भी वो नशा देखेंगे, करेक्शन फ्लूड यानी कई बार वो अपने स्कूलों में इस्तेमाल करते हैं ना, एक पेन होता है जिसमें सफ़ेद रंग का पदार्थ निकलता है, वो अपने करेक्शन करते हैं, सही करते हैं उससे, पेन से लिखा हुआ, तो करेक्शन फ्लूड, नेल पॉलिश, रबड़ सीमेंट, सूखे इरेजर, मार्कर्स, यानी कि इन मार्कर्स के अंदर भी वो नशीले पदार्थों को ज़रूर ढूंढते हैं। इनमें देखा हो आप लोगों ने, अगर इसको अगर सूंघोगे तो एक अजीब सी बदबू सी आएगी और वही अजीब बदबू एक प्रकार से ये अल्कोहल वगैरह इनको निश्चित कंटेंट के अंदर मिलाया जाता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा के अंदर, तो वो नशीले पदार्थ इसके अंदर होते हैं और ढूंढने वाले कहीं से भी इसको ढूंढ लेते हैं। मार्कर्स गैसोलीन, यानी ये ऐसे पदार्थ है जिनका प्रभाव गरीब बच्चों पर पड़ता है, गरीब बच्चों पर दुष्प्रभाव। ठीक है, फिर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा वो देखिए। डरावने सपने आएंगे उनको, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि ये नशीला पदार्थ आगे जाके उनकी जो ज़िंदगी है वो कितनी ज़्यादा डरावनी बना देगा। उसके बाद में
फेफड़ों में सूजन आएगी, यानी फेफड़े क्या हो जाएंगे, उनके सूज जाएंगे। किडनी यानी कि वर्कों में, गुर्दों में खराबी आ जाएगी, ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे। शारीरिक नुकसान तो होगा ही होगा, साथ में मानसिक क्षति भी होगी, यानी कि उनका जो दिमाग का विकास होता है वो वहीं पे अवरुद्ध हो जाएगा, और अवरुद्ध होगा तो वो एक प्रकार से मानसिक क्षति का शिकार हो जाएंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं बच्चों कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था के अंदर, किशोरावस्था की जो 18 और 19 की जो एज होती है, उसी दौरान नशे का सबसे ज़्यादा प्रचलन होता है, क्योंकि इस एज के अंदर सही गलत की पहचान ठीक तरीके से नहीं कर पाते, और इसी दौरान हमारे दिमाग का विकास भी होता रहता है। अगर नशे की आदत पड़ जाती है तो वो जो विकास होता है, वो जो नशे का विकास होता है, वहीं पे ही रुक जाता है। आई बात समझ बच्चों? तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। खासकर इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसके अंदर वो देखो, LSD के बारे में आपको याद करना है बढ़िया तरीके से, और एक अपने जैसे डॉक्टर के पर्चे पर उपस्थित दवाओं के नाम लिखो कि कौन कौन सी दवाएँ वो लिखता है, तो इन दवाओं में से आपको कौन से भी नाम याद कर सकते हो। आपके सामने नाम देखो कितने, 6 नाम हैं, इन 6 में से कम आपको 4 नाम याद होने चाहिए, तो ये नाम आप याद कर सकते हो। उसके अलावा ये इतना कुछ खास नहीं है। उसके बाद में अगर ये पूछ लें गरीब बच्चों पर नशे का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको ये लिख सकते हैं कि डरावने सपने, फेफड़ों में सूजन, वर्कों में खराबी, शारीरिक और मानसिक क्षति हो जाती है। तो नोट डाउन कीजिए आप। आगे बच्चों, इस लेसन का सबसे अंतिम टॉपिक मिलावट के बारे में अपने चर्चा करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है कोल्ड ड्रिंक का। क्योंकि मिलावट हर जगह हो रही है, बाज़ार के अंदर घी ले आओ, तेल ले आओ, वनस्पति तेल ले आओ, मसाले ले आओ, कुछ भी ले आओ, उन सब में कहीं ना कहीं मिलावट होती है। कोई भी अपने आप में शुद्ध जो वस्तु होती है वो नहीं देता है, भले ही घी के डिब्बे पर लिखा होगा शुद्ध देसी घी, लेकिन वो अपने आप में शुद्ध नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं मिलावट ज़रूर होती है। तो मिलावट के इस दौर के अंदर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन वो कानून भी इतने प्रभावी नहीं है। चलो फिर भी अपने चर्चा करते हैं। सबसे पहले शीतल पेय पदार्थों की, जिसको अपने अमृत मानते हैं, वो दरअसल में अपने आप में अमृत नहीं होता है, वो होता है मीठा जहर, ठंडा जहर, जो एक प्रकार से शरीर को नुकसान पहुँचाता है। ऐसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं इसके अंदर शामिल जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इनके बारे में अपने जानकारी प्राप्त करते हैं। फॉस्फोरिक अम्ल, ये जो अम्ल होता है ये दांतों को नुकसान पहुंचाता है, यानी कि दांतों का जो क्षय होता है ना, वो इसी अम्ल के कारण होता है। H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक अम्ल। एथिलीन ग्लाइकोल, ये एक ऐसा रसायन होता है जो जल को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी जमने नहीं देता है, जमने नहीं देता है, इसी कारण इसे ही कहते हैं मीठा जहर या ठंडा जहर। ठीक है बच्चों, अगला बोरिक या बेंजोइक अम्ल। इस बोरिक या बेंजोइक अम्ल के अंदर हड्डियों का नुकसान होगा, यानी कि हड्डियों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। उसके अलावा खट्टी डकारे आएगी, जो एसिडिटी को लाएगी, यानी कि इससे क्या हो जाती है साथ में, एसिडिटी यानी कि अति अम्लता हो जाती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा, ठीक है, मस्तिष्क या फिर सिर बोल सकते हैं, सिर में बेचैनी हो जाएगी, यानी एक प्रकार से शांति महसूस नहीं होगी, एक सनसनी हो जाएगी दिमाग के अंदर, सिर के अंदर, तो वो ये प्रभाव होते हैं बोरिक या फिर बेंजोइक अम्ल से। अगला सबसे घातक, 0.4 PPS लेड मिलाया जाता है। पीपीएस को बोलते हैं
प्रोस्पेक्टिव प्रिजर्वेशन सिस्टम, यानी ये सिस्टम डिसाइड करता है कितनी परसेंट मात्रा के अंदर ये पदार्थ मिलाया जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा घातक होता है, यानी कि लेड सीसा इसके अंदर शामिल होता है। किसके अंदर शामिल होता है? कोल्ड ड्रिंक के अंदर 0.4 ppi लेड शामिल होता है। और ये लेड क्या नुकसान पहुँचाता है? मस्तिष्क, गुर्दे यानी कि वरक, लीवर, संबंधी दुष्प्रभाव, यानी जो स्नायु तंत्र होते हैं ना, तंत्रिका तंत्र, उस पर दुष्प्रभाव डालेगा, जिससे मस्तिष्क प्रभावित हो जाएगा, गुर्दे भी खराब हो जाएंगे और लीवर संबंधी अनेक रोग पैदा हो जाएंगे इस मीठे जहर के कारण, जिसको बोलते हैं अपने कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो अगला बच्चों कॉफिन, कैफिन। कैफिन एक एल्केलॉइड होता है जो तंबाकू में पाया जाता है, जो चाय में भी पाया जाता है, कॉफ़ी में भी पाया जाता है, और साथ में कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अपने एक सवाल का जवाब तो वैसे ही मिल गया होगा जो अपने आज बताने वाले हैं। कैफीन क्या करता है? अनिद्रा एवं सिर दर्द ये पैदा करता है। इसका सेवन क्यों करते हैं? जो रात के समय कार्य करते हैं, पढ़ने लिखने का, अध्ययन संबंधी या ऑफिस का कोई भी काम करते हैं, तो उनको रात में जगे रहना आवश्यक होता है। हालांकि ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि नींद भी बहुत आवश्यक होती है, कम से कम 7-8 घंटे सोने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कुछ मजबूरी हो जाती है तो वो सेवन किसका करते हैं? कैफीन का सेवन करते हैं। चाय के रूप में करेंगे, कॉफ़ी के रूप में करेंगे, उसके अलावा कंटेन की बात की जाए तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी कैफीन की मात्रा पाई जाती है। नुकसान ये करती है कि अनिद्रा, जो नींद का एक साइकिल होता है, हैबिट साइकिल होता है, उसको तोड़ देगी, और साथ में सिर दर्द होगा वो अलग से होगा। ठीक है बच्चों, अगला देखो DDT या और क्लोरोपाइरीफॉस, ये ऐसे रसायन होते हैं जो मुख्य रूप से कैंसर को जन्म देते हैं, यानी कोल्ड ड्रिंक पीने से, ज़्यादा पीने से कैंसर भी होता है। कैंसर प्रजनन क्षमता में कमी आती है, यानी नपुंसकता और बांझपन इसकी कमी से आ सकता है, और उसके अलावा कैंसर प्रजनन क्षमता में क्या आती है? कमी आती है, और मस्तिष्क संबंधी रोग इसके द्वारा ही होते हैं। कैंसर प्रजनन क्षमता में कमी और मस्तिष्क संबंधी जो रोग होते हैं वो इसके कारण ही होते हैं बच्चों। DDT का पूरा नाम आपको पता होगा, डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। ये वैसे कीटनाशकों के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन थोड़ी सी मात्रा इसके अंदर भी मिला दी जाती है, जिसके कारण ये जो गर्मियों का जो अमृत होता है वो एक प्रकार से ठंडा जहर हो जाता है, मीठा जहर हो जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। बाज़ारों में देखा होगा अलग अलग वैरायटी आती है कोल्ड ड्रिंक की, अलग अलग रंगीन बोतलें आती है जो मनमोहक होती है, सिंथेटिक कलर होते हैं इसके अंदर, ओरिजिनल जो उसमें कुछ भी कंटेंट नहीं होता, सारा का सारा इसमें रसायन शामिल होता है जो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो बच्चों ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर कौन कौन से ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर पे दुष्प्रभाव डालते हैं, तो आपको ये तो एक प्रकार से ये चार्ट के रूप में बनाया है, तो आपको उसको थोड़ा डिटेल में लिखना है, यानी इन सब को मिला के एक पैराग्राफ के रूप में लिखना है। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो। अपना अंतिम टॉपिक मिलावट के अंदर,
कुछ खाद्य पदार्थ और कौन कौन सी मिलावटी वस्तु इसके अंदर शामिल होती है उनके बारे में अपने अध्ययन करते हैं, देखते हैं। तो सरसों का तेल, यानी कि सरसों के तेल में मिलावट की जाती है सत्यानाशी के बीज और आर्जिमोन या पोम ऑयल, या फिर पोम ऑयल इसके अंदर मिलाया जाता है ताकि किसी को पता न चले। ये उसी रंग की मिलावट कर देते हैं जिससे लोग अनभिज्ञ होते हैं, उनको पता नहीं होता कि इसके अंदर ये चीज़ मिलाई हुई या नहीं मिलाई हुई। देसी घी, बोलने में देसी लेकिन होता नहीं है, देसी घी के अंदर मिलावट की जाती है वनस्पति घी यानी डालडा की मिलावट की जाती है। मिर्ची पाउडर, मिर्ची पाउडर के अंदर ईंट का चूरा मिलाया जाता है क्योंकि लाल में लाल रंग मिलेगा तो जनता को क्या पता लगेगा, लेकिन फिर भी कुछ अधिकारी चेक करने आते हैं, लेकिन इनका भी एक अलग मौसम होता है। जैसे बरसाती मेंढक बरसात में दिखाई देते हैं, वैसे ही ये जो अधिकारी होते हैं विशेष त्यौहार पे आते हैं। जैसे आपने देखा होगा दिवाली के समय अगर मिठाइयाँ बन रही है तो कुछ एक जगह पे छापे पड़ते हैं, कुछ मिठाइयाँ ख़राब निकल आती हैं उनको नष्ट कर देते हैं, बाकी पे कार्रवाई होती रहती है। तो ये उसी समय आते हैं जिस समय सबसे ज़्यादा इनकी आवश्यकता होती है, यानी उस समय वो पदार्थ सबसे ज़्यादा बनते हैं दिवाली के समय मिठाइयाँ वगैरह। सौंफ, सौंफ के अंदर कृत्रिम हरा रंग मिलाया जाता है। हल्दी के अंदर मिलाई जाती है भी लेड क्रोमेट या पीली मिट्टी। धनिया और मिर्च के अंदर मिलाया जाता है गंधक या सल्फर, इसमें ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है। काली मिर्च के अंदर पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। फल और सब्जियों को थोड़ा सा ताज़ा दिखाने के लिए उन पर छिड़काव किया जाता है, लेड या कॉपर का जो विलिन होता है वो उस पर छिड़का जाता है ताकि ये फल और सब्जियां ताज़ा दिखें, भले ही ये एक हफ्ते पुरानी हो, फिर भी अगर इन रसायनों का इस्तेमाल करेंगे तो ये नई जैसी दिखेगी, बिल्कुल ताज़ा दिखाई देगी। उसके बाद इम्पोर्टेंट पर्सन बनता है, पर्सन इनमें से भी बनते हैं, अभी पूरी तरीके से बन सकते हैं पर्सन, क्योंकि कई बार महत्वपूर्ण पर्सन पे ध्यान होता है लेकिन ऐसा पर्सन आ जाता है जो एक प्रकार से नॉर्मली होता है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, वहीं से ही पर्सन आ जाता है। तो इसलिए इसके अलावा आपको ये सब भी याद करना है, ठीक है। तो सफ़ेदी के लिए आवश्यक, सफ़ेदी के लिए जो गोभी होती है फूल गोभी, उसके ऊपर AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है ताकि उस पर सफ़ेदी दिखाई दे और बाज़ार में चमकती हुई चीज़ों की और लोग सबसे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो पीली पीली गोभी के अंदर उनको जो कुछ दो चार सफ़ेद गोभियाँ दिखाई देगी, जनता उसी का ही चयन करेगी और घर पे ले जाएगी, भले ही वो इस बात से अनजान हो कि इसके अंदर ये रसायन शामिल है सिल्वर नाइट्रेट। तो आई बात बच्चों, अब इस मिलावट को रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, उसके लिए एक समिति का गठन किया गया था मासलेकर समिति, सरकार द्वारा प्रयास किया गया ये समिति बना के कि जो ये मिलावट का गोरख धंधा करते हैं, मिलावट करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जो मिलावट करने वाले हैं उनके खिलाफ भी मृत्यु दंड देने की सिफारिश इस समिति के द्वारा की गई है जिसका नाम है मासलेकर समिति, ठीक है। उसके अलावा भारत में एक कानून बनाया गया है जिसको कहते हैं खाद्य मिश्रण, अधिनियम अल्प खाद्य मिश्रण अधिनियम निषेध, अल्प खाद्य मिश्रण निषेध अधिनियम 1954 यानी जिसको कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, आपकी बुक में आपको एक शॉर्ट फॉर्म मिलेगी PFA, ये इसका पूरा नाम होता है बच्चों, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन 1954 यानी कि 1954, इसके नियम
65 के अंदर कहा गया है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं मिलावटी करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनका ये नियमन करता है, ये जो वाला नियम होता है, तो इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि भारत में जो संविधान है लचीला संविधान है, कानून भी लचीला ही है, और जहाँ पे ये अपना मास्टरमाइंड लगा के मिलावटी सामान बेचते रहते हैं, हर चीज़ में यहाँ पे मिलावट हो चुकी है। वो ज़माना गया कि एक बार इंसान, पहले के इंसान जो थे 100 साल तक जीवित रहते थे, आजकल एक एज लिमिट देखी जाए तो कम से कम 60 या 70 वर्ष होती है। कारण क्या है? मिलावट। जितना मिलावट से हम दूर रहेंगे, अपने आप को दूर रखने की कोशिश करेंगे, उतना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा और दीर्घायु प्राप्त होगी। तो इसी के साथ बच्चों, आज का अपने पहला जो लेसन है कंप्लीट होता है पांचवें पार्ट के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बार बार इसका रिवीजन करें, बार बार ये वीडियो क्लास देखें और आपको बेहतरीन समझ में आएगा। और यहाँ पे और आपके 4 नंबर निश्चित तौर पे पक्के होंगे अगर आप लोगों ने ये टॉपिक दोबारा दोहरा लिए और इसको बढ़िया तरीके से याद कर लिया। तो बच्चों, अब बारी है उन दो प्रश्नों की जिसके बारे में हमने पूछा था। पहला प्रश्न था कि अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। वैज्ञानिक नाम देने की पद्धति कैरोलस लिनियस के द्वारा शुरू की गई थी, और हम जानते हैं कि जो बुक में नाम होते हैं उनके नीचे अंडरलाइन करना आवश्यक नहीं होता, लेकिन जो हम लिखते हैं हस्तलिखित जो नाम होते हैं उनको सिर्फ नोटबुक में लिखो या फिर बोर्ड के ऊपर लिखो, उनको अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। एक नियम होता है जो उस कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया गया था। तो वैज्ञानिक नाम बताइए आप। वैज्ञानिक नाम होता है पेपेवर सोमनी फेरम। क्या नाम होता है बच्चों? पेपेवर सोमनी फेरम। इम्पोर्टेंट है, याद करने लायक। अगला जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब वैसे उस कोल्ड ड्रिंक वाले में दे दिया गया था। चाय में कौन सा हानिकारक तत्व यानी कि एल्कलॉइड पाया जाता है? सही जवाब है कैफीन। कौन सा पाया जाता है बच्चों? कैफीन। उसके अलावा ये पाया जाता है कॉफ़ी के अंदर और पाया जाता है मीठे जहर में यानी कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर। ये आज के दो प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके सब्सक्राइब भी करें। आगे आपको और इससे भी बेहतरीन जानकारियां प्राप्त होती रहेगी, यानी हम टेक्स्ट बुक का तो पढ़ते रहेंगे लेकिन उसके अलावा भी आपको अलग से भी जानकारी दी जाएगी, क्योंकि ज्ञान चारों तरफ से बढ़ता है, उसको लपेट लेना चाहिए। तो मिलते हैं अपने एक अलग क्लास के अंदर जिसमें अलादीन आएगा और जिन भी आएगा, वो कैसे आएगा ये थोड़ा सस्पेंस रखेंगे। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए सोमवार का। मंडे का जो क्लास होगी एक थोड़ी छोटी क्लास होगी, लेकिन इसके अंदर इनवाइट करेंगे अलादीन को और जिन को भी। तो बच्चों, दो प्रश्न आपको वीडियो के अंत में मिल जाएंगे, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर। टेक केयर।